वितरण में धांधली पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। क्षतिग्रस्त वितरण धांधली पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण की गारंटी करो, गारंटी करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाढ़ में बाढ़ जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंगाल मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए किसानों को मुआवजा दो, मुआवजा दो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम इस वक्त मौजूद हैं रानी लक्ष्मीबाई पार्क नगर निगम में। यहाँ पर सेमरा जो वार्ड नंबर 51 होता है, वहाँ के कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अपनी डिमांड लेकर करके आए हैं कि अभी जो पीछे बाढ़ आई थी, जिससे उनके जो है फसल नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है, या बाढ़ में जो ये लोग घिर गए थे, तो इनको उचित मुआवजा नहीं मिला है, जिसके लिए इन्होंने प्रशासन से बात किया, शासन से बात किया। शासन ने इनको जो है आश्वासन दिया था कि आने वाले दिनों में आपको जो है मुआवजा मिलेगा, मगर अभी तक मुआवजा दिया नहीं गया है। उसी को लेकर के आज इन लोगों ने विगत दिनों चक्का भी जाम किया था, आज यहाँ पर गोरखपुर मुख्यालय में नगर निगम में ये लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या कुछ हुआ था, किस वजह से आप लोग धरना दे रहे हैं। या सेमरा देवी वार्ड नंबर 51 में जो बाढ़ आया था, उसमें कई किसानों का जो है जो फसल लगाए थे वो फसल बर्बाद हो चुका है बाढ़ के कारण। और काफी मजदूरों, जो मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको मतलब सामग्री भी नहीं, जो बाढ़ पीड़ित राहत सामग्री वितरण होती है उसमें धांधली हुई है, जिसमें लोगों ने केवल अचिन्हित लोगों को ही मतलब वो सामग्री दिया है। बाकी SDM साहब ने तो राहत सामग्री बटवाई थी। हाँ, बटवाई थी, लेकिन कहाँ बटवाई थी, कहाँ बटवाई थी? अगर बटवाती तो क्या हम रोड जाम करते हैं? क्या चक्का जाम करके हम धरने पे बैठते हैं? हम उस दिन भी धरने पे बैठे थे जहाँ पे प्रशासन के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि 3 दिन के अंदर ये वार्ड, अरे 3 दिन के अंदर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री मिलेगी और बाढ़ पीड़ितों को, जो किसानों का जो फसल बर्बाद हुआ है, उन्हें सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाएगा। आज 13 दिन बाद हम फिर धरने पे बैठे हैं, यानी प्रशासन हमसे झूठ बोली। तो क्या ये धरना चलता रहेगा? जी बिल्कुल चलता रहेगा। आज एक दिवसीय का धरना है। अगर आज कुछ नहीं होता है तो फिर से हम सेमरा देवी वार्ड नंबर 51 में चक्का जाम करेंगे और घंटों तक प्रशासन को बिठाए रखेंगे। क्या क्या समस्या आपकी है, यहाँ आई है, क्या समस्या है? राशन नहीं मिला ला हमन के, राशन और खेत बाड़ी बुड़ गए, हमन के मुआवजा नहीं मिला। राशन दूसरी चीज है, खेत बाड़ी का क्यों? खेत बाड़ी के लिए आपको चाहिए मुआवजा? बाढ़ी के बढ़िया आई, पानी पानी जब बुड़ गया खेत बाड़ी तब तो कर मिले चाहिए हमन। कहाँ पर आपका खेत है? हमन के सेमरा प्रसाद कठौर पर आला। तो बाढ़ के पानी से वो गिर गया था? हाँ, एकदम एकदम तबाही है ये मन। आपके क्या समस्या है? वह समस्या है, सबको खेत बुड़ गया एकदम, जिन्ना धान पिसान बोल रहा लो ना, सब बढ़िया, कोई पूरा सब बढ़िया। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं मिला कुछ हु? तो सरकार ने तो दिया था ना, अभी तो पीछे जो है उन्होंने कुछ जो है सामग्री दी है ना, जैसे पंच पौना वैसा हमने पाई, हमने कुछ नहीं मिला, वो पटवारी काट दिया है सबका नाम, सर्वे कर सबका नाम काट देना, आज छीन छीन आदमी के दिया दे, जो उनके पार्टी और कर रहा हूँ। किसने काटा ये नाम? इन्हें हम मन जानते के काट लेगा नाम। आप पटवारी बोल रही हैं? पटवारी गए थे, होते हैं पार्षद, वहाँ के नेपाल हैं। पार्षद जी ने जनता के लिए आवाज उठाई, बोली कि मतलब बाढ़ सामग्री जो मिला है, पूरे हमारे गांव में जितने लोग हैं सबका बुड़ गया है, खेत है, बगीचा है, सबके वहाँ परेशानी हो गया है। तो वो बोले कि मतलब नहीं, हम 20 लोगों को केवल देंगे। तो भाई क्यों केवल 20 लोगों को, जब हमारे गांव में बाढ़ एरिया है, सबका बुड़ गया तो सबको मिलना चाहिए। कितने लोग हैं आप लोग वहाँ गांव में? आपके गांव में बहुत सारे लोग हैं, यही वजह है कि यहाँ पर वो सभी इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं था, भाड़ा के लिए पैसा नहीं है। तो वो लोग बोली है, साथी आप लोग जाइए मांग कीजिए, अगर मांग नहीं मिलेगा तो हम सब फिर यहाँ पर सेमरा देवी प्रसाद में भारी से भारी धरना पर बैठेंगे
और वहाँ पर अधिकारी को जाना पड़ेगा। वहाँ पर हम सब जैसे धूप में बैठेंगे उसी तरह उनको 24 घंटे तक बैठाएंगे। तो प्रशासन से आप लोग मिली अपनी मांग लेकर के, प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने यही बोले हैं कि सेमरा देवी प्रसाद में सामग्री बट गया है, कागज में मीटिंग में बात हो गया है, लेकिन आप लोग से हमें यही कह रहे हैं कि वहाँ पे आइए, वहाँ पे जांच करिए। सभी जनता हम इकट्ठा कर रहे हैं, वहीं धरने पर लेकर बैठेंगे। एक एक जनता से पूछ लीजिए कि कोई पाया है कि नहीं, वहाँ की जनता जो बोलेगी सरकार वो करेंगे। तो इसका मतलब ये कि सब कागज के अंदर सब राशन बांटा गया है? हाँ, लेकिन हमारे गांव में बांटा नहीं गया है, धोखा हुआ है हमारे गांव वाले के साथ, जनता के साथ धोखा हो गया है। देखिए, इनका कहना है, आप कह रही हैं कि कुछ लोगों को मिला, इनका कहना है किसी को नहीं मिला है। नहीं नहीं, कुछ लोगों को मतलब नहीं मिला है। कुछ लोगों का मतलब मेरा कहना ये है कि उसके आसपास गांव में बटा है कुछ लोगों को, लेकिन सेमरा देवी प्रसाद वार्ड नंबर 51 में ये राहत सामग्री नहीं बटा है, मेरा ये कहने का मतलब। तो यहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं उनका साफ ये कहना है कि सेमरा वार्ड नंबर 51 में किसी भी तरह की कोई भी राहत सामग्री किसी के द्वारा नहीं बांटी गई है। इनकी अभी दो मांगे हैं कि राहत सामग्री का वितरण हो समय से, और साथ ही जो इनके खेत, जो खेत और खलियान जो पानी में डूब गए जिससे फसल खराब हो गई, उसका जो है सर्वे करा करके मुआवजा दिया जाए। इसको लेकर के इन्होंने विगत दिनों धरना भी दिया था 13-14 दिन पहले। आज फिर यहाँ पर लक्ष्मीबाई पार्क में आकर करके लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। इनका आगे स्पष्ट ये कहना है कि अगर उनकी बातें मांगी नहीं गई तो आगे फिर चक्का जाम करेंगे और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ईएन डेली के लिए।